कोई भी नया बंदा आता है और उसको काम चाहिए तो आप काम प्रोवाइड करवा दो। वो तो कोई बात नहीं भाई, कांटेक्ट कर ले फिर, इंस्टा इंस्टा आईडी। इंस्टा आईडी दे दो आपका मुझे, हाँ मैं जी शेयर कर दूंगा आपको, कोई भी मैसेज कर देगा है ना, कोई बात नहीं भाई, जिसकी दे जरूरत देना। है तो, हाँ जी है ना। फ्रेंड्स अभी मैं आ चुका हूँ कीवी फ्रूट के फार्म पे न्यूजीलैंड में। मैंने कई बार ऐसा सुना है कि यहाँ पर पैसे बड़े बनते हैं, तो यहाँ पर हमारे एक दोस्त है गुप्ता जी करके, उससे हम लोग बातें करते हैं, पूछते हैं क्या काम होता है, कैसे होता है, कितना मैक्सिमम बंदा बना लेता है, क्या सीज़न होती है, कीवी फ्रूट में पैसा है या नहीं है, वगैरह वगैरह। तो आइए मिलते हैं गुप्ता जी। मेरा नाम भाई गौरव गुप्ता। गौरव गुप्ता नाम है इस भैया का। भैया आप हमें ये बताइए कि ये सब जो फार्मिंग की जॉब होती है न्यूजीलैंड में, हाँ जी भाई। उसमें कैसा होता है? भाई फार्मिंग यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती है। हाँ जिस हाँ टाइम हम कर रहे हैं ये कीवी की है, तो डिफरेंट सीजन आते हैं इसमें। पिकिंग हार्वेस्टिंग होता है, और ये विंटर प्रूनिंग है, फिर समर सीजन आ जाएगा। अच्छा, इस टाइम विंटर प्रूनिंग चल रही है, तो अभी जो आप कर रहे हो वो विंटर प्रूनिंग विंटर है, प्रूनिंग है। हाँ जी तो समर और प्रूनिंग में आप, समर और दूसरा क्या पिकिंग में, पिकिंग। उसमें सेम ही होता है क्या होता है? समर में भाई डिफरेंट टाइप्स की जॉब्स होती हैं, लाइक 10 to 12 तरह की। फ्रूट जैसे वो कोई टेढ़ा मेढ़ा फ्रूट होता है, गलत शेप का, वो निकाल देना, ख़राब हो गया वो तोड़ के फेंक देने हैं, वो जो बडिंग वो थिनिंग बोलते हैं जिसको। बडिंग। तो हाँ इसके जी प्रूनिंग के बारे में बताइए कि कैसे काम, पहले तो काम कैसे होता है बाद में बात करेंगे कितने पैसे बनते हैं, तो पहले बताइए काम क्या होता है इसमें। भाई ये होता है कि जैसे ये सारा देखो पुराना स्टफ है ना, हाँ ये तो वैसे सेकंड ईयर की क्रॉप है, ओके ये पुराना स्टफ होता है। ये चीज़ होती है, यहाँ पर फ्रूट लग चुका है ऑलरेडी ओके और हाँ यहाँ से हमने पिक कर लिया है, हाँ और हाँ ये जो आगे जो नया है यहाँ पर फ्रूट लगेगा। अच्छा, यहाँ पर लगेगा, हाँ जी यहाँ तक नहीं लगेगा इसे, अब नहीं, ओके यहाँ से अब इस तरह की नई केन निकलेगी हाँ और फूल लगेगा यहाँ से। तो ओके हाँ ये स्ट्रिंग वाला है, ऊपर देख सकते हो आप कि ऊपर भी जो है कैन, इनको हम कैन कहते हैं। ये जो जो डालिया है, हाँ जी ब्रांचेस बनी है वो, इसको ब्रांच, इसको कैन कहते हैं हम ओके कीवी में। हाँ तो इसको हमने बांधना होता है फिर नीचे लगा के इस नीचे तार के उतार साथ, के। हाँ जी जैसे ये बंधी हुई है, हाँ जी हाँ जी ये सब बंधी हुई है, इस तरह से नीचे नीचे गिरा के बांध दोगे, बांध देंगे। ओके अब मैं दिखाता हूँ कि इसको पहले हमने ना पूरे बे में इसको एक बे कहते हैं, वहां से लेकर यहाँ तक हाँ ये हाँ पूरे स्क्वायर को एक बे कहते हैं। हाँ जो जो लकड़ी है हाँ लाइक जी जो बना है जो स्टैंप हाँ वाला, जी हाँ इसको एक बे कहते हैं, उसे, ओके और हमने पूरा बे भरना होता है किसी भी तरह से, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक हमें फ्रूट चाहिए। तो हाँ 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 मैं आपको काट के दिखाता हूँ कि हम कैसे इसको भर सकते हैं किसे नहीं। ओके जैसे ये देखे, ये मेरी है कैन। वो नई वाली है ना हाँ जी जो इस मैंने साल आएगी, ओके हाँ इसको यहाँ तक एक्सटेंड करना है अब किसी ना किसी तरीके। वो यहाँ से जाएगी एकदम लास्ट तक, हाँ जी अब ये देखो ओके मेरी थोड़ी वो है पतली है, तो मेरी लास्ट तक तो जाएगी नहीं, हाँ हाँ तो मेरे को फिर इसको यहाँ पर रखना पड़ेगा। तो इसको मैं टू बट कर दूंगा, इसकी थोड़ी मैं इसकी थोड़ी सफाई कर दूंगा। हाँ 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 ये थोड़ी सफाई होगी यहाँ से, तो लास्ट से थोड़ा काट के थोड़ा थोड़ी सी मतलब इसको अच्छा टाइडी अप कर दूंगा। फिर ऐसे नेक्स्ट में जाएंगे भाई, हर एक बार बस वन बाय वन फॉलो करते जाना है। ओके ओके जो ये रबिश वगैरह होते हैं रबिश उतार देना है। तो पता कैसे चलेगा कि ये रबिश है और ये नया वाला है, या वो जैसे दिमाग लगाना पड़ेगा ना फिर तो। वो जैसे भाई कोई नया न्यू कमर्स आते हैं, हाँ हाँ हम उनको ट्रेन करते हैं, फिर हाँ ट्रेनिंग हाँ देते हैं, बताते हैं क्या चीज़ है क्या नहीं चीज़ है। ओके 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 अब जैसे हमें तो इतना टाइम हो गया करते हुए, हमें तो पता ही है क्या है, इसमें रखना है। हाँ मेन चीज़ होती है जैसे ये निकली है ना, हाँ जो नई वुड निकली होती है उसी में फ्रूट लगता है, उसको काटना नहीं है गलती से भी, उसको है नहीं ना, काटना। गोरा डांटेगा फिर। हाँ जी और ये वाली होती है पुरानी वुड होती है, इसमें लगना नहीं। ओके हाँ और जो ये देखो आप कह सकते हो पेंसिल से पतली होगी ना, हाँ हम उसको भी नहीं रखते, उसको सिर्फ हम उतार ही देते हैं सीधे, अच्छा उसको रबिश में गिना जाता रमेश है। में गिना ओके जाता है। तो ये जो फार्म वगैरह होते हैं वो सब गौरव के होते हैं या फिर हमारे इंडियंस के नहीं भी भाई है? इंडियंस के भी हैं। अच्छा, जो पहले आ गए हो गए है हाँ ना। आजकल भी जैसे इन्वेस्टमेंट है, जैसे हम इंडिया में इन्वेस्टमेंट करते हैं सेम हाँ यहीं पे करना होगा, तो बस अच्छा, फार्म इसमें लेना ले सकते हैं। फिर आप कितने साल से काम करते हो इसमें? मेरे को भाई ऑलमोस्ट 8 years होने वाले हैं। 8 years होने वाले। हाँ जी तो आपके 8 years में आप ऐसा दिन बताओ जिसमें आपने मिनिमम कितने कमाए और मैक्सिमम कितने कमाए। हाँ भाई जब मैं आया था फर्स्ट डे मेरा कीवी में था, हाँ मैंने 8 घंटों में $12 बनाए थे, 8 घंटों में बारह डॉलर 12 डॉलर। हाँ जी फर्स्ट डे। अच्छा 7 साल पहले, 8 साल पहले ना। हाँ हाँ जब मेरा ओके फर्स्ट डे था, ओके तो फिर नेक्स्ट डे 20,
मैक्सिमम कितने बनाए? मैक्सिमम मैंने लास्ट ईयर अपना रिकॉर्ड बनाया था $1,250 का. $1,250 पर डे का? कितने घंटे काम किया था? 8 घंटे? 10 घंटे? 9 घंटे का $1,250. हाँ जी. वो कितने हो गए? 65,000 समथिंग हो गए ना? इतना हो गया. और बढ़िया है वैसे काम तो, बढ़िया. बस बंदे को आना चाहिए. मतलब कहने का मतलब ये है. हाँ भाई, इसमें बस ये है कि ये जो काम है गोरे का, ये सबसे इम्पोर्टेंट काम है. अच्छा. सारे साल की क्रॉप इसकी इसी के ऊपर डिपेंड है. अच्छा. अगर देखो, अगर ये चीज है हमने रखी है, अगर हमने इसको काट दिया फिर यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा. हाँ, तो उसका फ्रूट ही नहीं आएगा. फ्रूट नहीं आएगा तो नुकसान हो गया उसका. नुकसान हो जाएगा. हाँ, हाँ. अब ये देख सकते हो यहाँ पर खाली है. तो जो एक्सपीरियंस बंदा होगा उसको पता है, जिसको काम आता है उसको पता है कैसे भरना कैसे नहीं ना. अब ये देखो मेरी ये सीधा लास्ट तक चले जाएगी अगर मैं इसको फ्री करूंगा ना. ये देखना, मैं आपको एक आधी बांध के भी दिखाता हूँ. ये चीज मैं आपको बांध के भी दिखाता हूँ, अगर किसी ने पता भी लग जाएगा उसको क्या चीज होती है. अच्छा, ये वाली कैन की बात कर रहे हो ना? हाँ जी. लंबी हो जाएगी एकदम. हाँ जी. ये देखो, मैंने अब थोड़ा सा एरिया साफ किया. अब मैं इसको बांधूंगा यहाँ पे. तो थोड़ा क्लिपिंग कम है यहाँ पे. तो इसको क्लिप बोलते हैं सर? ये ब्लैक वाली है वो? हाँ जी. इसको वो, ये आप हमें घर से लेके आनी पड़ती है? नहीं, ये ग्रोअर प्रोवाइड करता है भाई. ये जो गोरा होता है वही देता है? हाँ जी, गोरा देता है. और ये जो आपके पास कटर वगैरह है वो कितने का आता है? खुद को लेना पड़ता है या फिर गोरा? ये भाई अपने टूल खुद लेने पड़ते हैं. अच्छा. बड़ा कटर ये है, ये आते हैं 140-150 के करीब. $150 का? हाँ जी. ओके. और ये वाला होता है, ये जर्मनी मेड बेस्ट कटर है. ओके. ये $75 का है. ओके. ये कहाँ पे मिलते हैं वैसे? ये भाई रेपको. ये एक बे का कितना डॉलर सो करते हैं भाई? डिपेंड करता है कि बे का साइज कितना है. अब जैसे ये 20 किलोमीटर का बे है. हाँ. तो इसका अराउंड वही $15-16 रेट होगा. ओके. मैं जस्ट एस्टिमेट बता ओके, बता ओके, रहा हूँ. हाँ, हाँ. कि जैसे ये 20 किलोमीटर का है, आप लगा के चलो कि $14 होगा इसका. ओके पाजी, थैंक यू वेरी मच. कुछ और बाकी तो नहीं देगा आपको बताने का? हमारे व्यूअर्स को पता चलना चाहिए कि ये चीज क्या है, क्योंकि बहुत लोगों को ये पता है कि केवी फ्रूट में पैसा बनता है, बट कभी कभार ऐसा होता है कि कितना हार्ड वर्क है वो कोई नहीं दिखाता है. सिर्फ ये दिखाता है कि मैक्सिमम 1250 मैंने बनाया है. तो हार्ड वर्क है वो भी बता दीजिए आप. हार्ड वर्क तो भाई ये अपने ऊपर डिपेंड है. हाँ. कि अगर तो आप हार्ड वर्क करना चाहते हो वो रिजल्ट भी देगा. अब हम क्या करते थे लास्ट ईयर, सुबह 6:30 शुरू करते थे. 6:30 बजे सुबह अर्ली. तब तो ठंड भी कितनी होती है भाई? वो नीचे भी बर्फ जमी होती थी ये घास पर. हाँ, पूरा व्हाइट हुआ होता था. और ये जो है ना, इसके ऊपर भी पूरी बर्फ जमी होती थी. अच्छा. और जब हम काम करते थे हमारे हाथ पूरे फ्रोजन हो जाते थे कटर चला चला के, इतनी ठंड होती है. और वो फिर भी हार्ड वर्क है, पैसा कमाने के लिए हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा. 6:30 लग जाते थे हम, रात को 9-9 बजे तक लगे रहते थे. अच्छा. वही मतलब 15-15 घंटे काम करना, पैसे भी उस हिसाब से बनते हैं. 15 घंटे काम करना, मिलना भी चाहिए पैसे. ऊपर वाला भी देता है ज्यादा काम किया तो ना. फिर वही है भाई, जितना हार्ड वर्क करोगे उतने पैसे बनाओगे. बस प्रूनिंग में ये है कि नए बंदे के लिए थोड़ी हार्ड है. उसको थोड़ा लाइक जो फास्ट लर्नर है वो तो 2-3 दिन में सीख जाएगा. जो स्लो लर्नर है वो स्लो लर्नर का कुछ कह नहीं सकते. अच्छा. चलो एक क्वेश्चन है कि अगर कोई फास्ट लर्नर है, जैसे कि मैं हूँ, अगर मैं कल काम करना चाहता हूँ, मुझे आ गया कि कौन सी डाली काटनी है कौन सी नहीं काटनी है. ओके. एक वीक के बाद मेरा दिन का कितना बनेगा अगर मैं लाइक फुल डेडिकेशन से काम करूं, सीखने की मेहनत करूं, सब कुछ करूं? बनाने को आप जैसे फर्स्ट डे ही, मैंने बताया कि मेरा फर्स्ट डे था $12. हाँ. और मेरे ने लास्ट ईयर एक बंदे को ट्रेंड किया है. अब वो बंदा $70 फर्स्ट डे बना गया. और 15 दिन बाद वो 300 बना रहा है. 15 दिन के बाद वो 300, 2 वीक के बाद उसका 300 बन रहा है. बन रहा है. हाँ. तो फिर कहने वाले का मतलब ये है कि अगर आप हार्ड वर्क करने के लिए रेडी हो. हाँ. और इंडिया से आप थोड़े से पैसे लगा के यहाँ पे आ रहे हो. हाँ, तो आपके पैसे निकल जाएंगे. मतलब निकल जाएंगे भाई. एक दो साल में तो इजीली निकल लो. आजकल तो आपको पता है 20-25 लाख सब लोग ले रहे हैं यहाँ पे भेजने के. हाँ जी. तो इतने तो निकल जाएंगे. ओके. वो तो है भाई. बस वही ना, जो ये काम कर गया, जो सीख गया, मैं कहता हूँ पूरे साल में उतने पैसे नहीं कमाएगा जितने ये 3 महीने में कमा लेगा. ये 3 महीने की सीजन होती है? हाँ. ओके ओके. 15th ऑफ जून से मोस्टली शुरू होता है. वैसे काउंट तो किया होगा कि ये प्रूनिंग की सीजन में पूरी सीजन के कितने कमा सकता है बंदा? भाई कमाने को कहीं 15,000 कमा ले. हाँ हाँ. कमाने को कहीं 60,000 कमा ले. अच्छा, 15,000 भी कमा सकता है, 60,000 भी कमा सकता है. ओके. न्यू कमर 10-15,000 ही कमा ले.
मैंने को जो पुराने हैं एक्सपीरियंस्ड है वो 60,000 भी कमा लेते हैं 3 महीने में। अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया है। अभी 3 महीने में 60,000 कमा लो, नो डाउट ना, हार्ड वर्क भी तो चाहिए। हार्ड वर्क वही है ना, इसमें ऐसा होता है ना कि बारिश है तो आप काट नहीं सकते, ऐसा कुछ होता है ना? बारिश में काम बंद है, आपकी छुट्टी हो गई, छुट्टी हो गई उस दिन की, आपकी दाढ़ी गई फिर, है ना? कई बार तो ये भी आता है एक एक वीक पूरे बारिश, तो एक भी घर पे बैठना है, बैठना पड़ेगा। बट उसके बाद भी उसे काम भी तो कहीं जाने वाला नहीं है, आपको आप ही को ही करना है, आपकी ऐसा होता है ना कि पूरी लेन आपको ही करनी है, है ना? कई बार ऐसा भी होता है पूरा मंथ ही नहीं बारिश होती, अच्छा कोई छुट्टी नहीं, पूरे मंथ में छुट्टी नहीं, 30 दिन तक काम ही काम है ना, लगातार काम करो, अप टू यू है, करना है तो करो, अदरवाइज अगर आपको नहीं जैसे टायर्ड हो गए छुट्टी नहीं कर सकते हो, हाफ डे ले सकते हो, बस जो आपका वो सुपरवाइजर या मैनेजमेंट है उसको बता दो भाई मैं आई एम नॉट फीलिंग वेल, तो डे ऑफ ले सकते हो। ओके, तो फिर इसमें लाइक जब भी मेरे को छुट्टी चाहिए मिल जाएगी? हाँ भाई, और जब भी काम चाहिए काम भी मिल जाएगा? या अच्छा, कोई भी नया बंदा आता है और उसको काम चाहिए तो आप काम प्रोवाइड करवा दोगे? वो तो कोई बात नहीं भाई, कॉन्टेक्ट कर लें तो काम तो इजीली मिल जाएगा। तो फिर आपका इंस्टा या फिर टिकटॉक दे दूं यूट्यूब में? कोई बात नहीं भाई, मेरी टिकटॉक आईडी दे देना। हाँ मैं दे दूंगा, इंडिया में टिकटॉक चलता नहीं है ना, इंस्टा इंस्टा आईडी दे दो आपको, मुझे हाँ मैं शेयर कर दूंगा, आपको कोई भी मैसेज कर देगा, है ना? कोई बात नहीं भाई, जरूरत है तो। हाँ जी, है ना? ओके ओके, चलो थैंक यू वेरी मच भैया। ओके थैंक यू भाई, बहुत अच्छी है आपने हेल्प कर दी और लोगों को पता भी चलेगा कि क्या क्या चीजें आती है। ना ना कोई बात नहीं भाई। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। Thank you.